और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। बार बार फोन करती रहती हूँ, कहाँ पहुँचे। आराम से ना मस्त अपनी वेब सीरीज देखूंगी। यार आता है एक लाइट अपने आप ही गई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। वेल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज है 8 जुलाई और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। वेल, हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि सेकेंड या फोर्थ सैटरडे को ही उनका बर्थडे पड़े, ऐसा तो बहुत रेयर होता है, बट आज जो है सैटरडे है और उनका ऑफ है सैटरडे संडे। तो अभी वो रास्ते में हैं, घर आ रहे हैं। अब बर्थडे है तो यार डेकोरेशन तो करना बनता है ना, कॉज वो मुझे कभी भी स्पेशल फील कराने में कोई कमी नहीं छोड़ते, तो मैं भी क्यों छोड़ू यार। नहीं सही, तो वैसे तो खैर मैं आपको बता दूँ, डेकोरेशन होने के बाद ना जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे, वैसे तो मैं शूट करूँगी सब, पर उनका रिएक्शन ना ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। बता देती हूँ, उनको रिएक्ट करना ही नहीं आता कि मैं मतलब कैसे रिएक्ट करूँ। होते होंगे कुछ लोग जो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते होंगे। थोड़ी ही देर में मम्मी और दीदी आ रहे हैं डेकोरेशन में हेल्प कराने के लिए, बिकॉज मेरे अकेले कुछ भी करने के बस के नहीं है, तो उनका आना बहुत ज़रूरी है। डेकोरेशन तो हमारी हो चुकी है, अब वेट किया जाएगा। अभी टाइम बहुत बचा हुआ है उनके आने में, अभी तो 12:30 हो रहे हैं, 2 या 3 बजे तक आएंगे शायद वो। जब तक मैं क्या करूँगी, सोऊँगी? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं सो पाती। जब पता होता ना कि आ रहे हैं तो फिर मेरे को नींद भी नहीं आती, बार बार फ़ोन करती रहती हूँ, कहाँ पहुँचे। तो मैंने सोचा कि ऐसे फ़ोन चलाऊंगी 2-3 बजे तक, इससे अच्छा है मेरी वेब सीरीज़ चल रही है असुर, मुझको तो बड़ी औसम लगी यार। मैंने उसका फर्स्ट सीज़न भी नहीं देखा पहले जब वो आया होगा, मैंने अब देखा, मुझे बड़ा मस्त लगा। फिर मैंने कहा भाई दूसरा सीज़न तो फिर देखना बनता है, जब पहला सीज़न देख लिया तो आराम से ना मस्त अपनी वेब सीरीज़ देखूँगी। चलो व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ से मेरे हस्बैंड आएंगे। ओ भाई 3 बज गए। अरे यार उठना भी होता है यार। वेल, उन्होंने मुझको मतलब मैंने फ़ोन करके पूछ लिया है कि वो कहाँ पहुँचे, तो उन्होंने बोला कि मैं नीचे आ मतलब आ चुका हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल टीवी बंद कर दूँ
वो आ रहे हैं तो अब थोड़ा सा डेकोरेशन में ध्यान देती हूँ। इसकी मैंने लाइट्स ऑफ कर रखी है, वो लाइट चलाती हूँ, अपना फ़ोन भी लगा देती हूँ, सब सेट है और सेट है, मैं तो लाइट ही नहीं देती। यार आता है एक लाइट अपने आप ही गई खुद ही खुद। वो यहाँ से आएंगे ना तो मैं उसको ऐसे सेट करती हूँ, ऐसे। हाँ अब ठीक है, यहाँ से आएंगे कैसे करेंगे, ठक ठक तो मैं खोल दी और फिर वो बोलेंगे गिनना चाह रहा हूँ मैं। जैसी शक्ल होती है ना वैसी दिखती है। अब देखो मैं जैसी भी हूँ बुरी सी आती हूँ ना कैमरे के सामने। यार कुछ तो बोल भाई, हमारी मेहनत गई है, अच्छा लगा नहीं लगा मेरे को पता था आपने कुछ कर रखा है। थैंक यू सो मच इतना कोई डेकोरेशन करने के लिए, आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। सो गाइस आपने मेरे हस्बैंड का रिएक्शन तो देख ही लिया है, मुझे ऐसे ही कुछ रिएक्शन की इनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसे ही हो सकता है, इससे ज़्यादा इनसे नहीं होगा। क्योंकि इनको कुछ रिएक्ट करना ही नहीं आता यार, खैर छोड़। तो अभी फ़िलहाल 3:30 हो चुके हैं, अब सोने की तैयारी करते हैं और कल सुबह से, मतलब सुबह क्या मतलब कल हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो कल दोबारा मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज सुबह से ही ना बेहद बारिश आ रही है और यहाँ मैं चीला बना रही हूँ और ना इस बार मैं चीले में पनीर की फिलिंग कर रही हूँ। इसमें मैंने नॉर्मल वेजेस डाली हैं और कुछ मसाले डाले हैं और ये काफी टेस्टी बना था। अगर आप सब भी ट्राई करना चाहते हैं ना तो प्लीज बना के खाना, आपको भी बहुत पसंद आएगा, हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आया। यार बारिश ना सुबह से ही कंटिन्यू आ जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही। कितनी तेज बारिश आ रही है यार। बारिश में ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, नहीं लगेगी, बहुत तेज बारिश आ रही है, अच्छा लग रहा है नालू। बाय 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 नांद, बहुत अच्छी बारिश आ रही है तेज की नालू। गाइस बाहर जाने का प्लान था बट हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? बहुत तेज बारिश आ रही है अभी तक। हम बारिश की वजह से फंस चुके हैं, सुबह से आ रही है यार, रुकने का ही नाम नहीं ले रही बारिश। हमारा रेस्टोरेंट जाने का प्लान था पूरा कैंसिल, सब खत्म। हम सोच रहे थे डिनर करके आएंगे बाहर पर सब पे पानी फिर गया, अब नहीं हो पा रहा, सब कैंसिल हो गया, सब कैंसिल। बारिश आ रही है और बाहर फिर अगर बारिश रुक भी जाती है ना तो बहुत गंदी कीचड़ मिलेगी, बहुत गंदी, इसलिए फिर मन भी नहीं हो रहा जाने का। पानी भी भरा होगा जगह जगह बहुत ज़्यादा। तो फिर हम सोच रहे हैं कि घर पे ऑर्डर कर लेंगे कुछ ना कुछ। और अभी हम थोड़ा अभी केक मंगवाने ही वाले थे पर इतने में मम्मी ने भेज दिया घर से केक, और अब थोड़ी देर में बस हम केक ही कट कर रहे हैं। गाइस अब हम बाहर जाते तो उस हिसाब से मेरा गिफ्ट होता,
बाहर जाती तो देखती, अभी तो ना बाहर जा रही। अरे तो कोई बात नहीं, आप ही मेरे लिए गिफ्ट हो मेरा। वो तो ठीक है, बट मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, बट अभी फिलहाल वही है ना, बारिश की वजह से बाहर नहीं जा पा रही, तो कोई बात नहीं, गिफ्ट का भी थोड़ा है, पर कोई बात नहीं, दूंगी मैं जरूर गिफ्ट, कोई बात नहीं, दिया ना दिया एक ही बराबर है। हाँ दिखाना, मैं वो कहा रिंग वाला आदमी का, रिंग वाला गई थी मेरे मुंह पर, यहाँ से ये देखो, ये ना गई, ये रिंग दी थी मैंने इनको पिछले वाले बर्थडे पर, थोड़े दिन पहनी, फिर इनका शौक पूरा हो गया। शौक ही नहीं है भाई, अब इंसान क्या दे, कपड़े बेशुमार, किसी चीज का शौक नहीं, अब कोई इंसान गोल्ड का भी कुछ दे तो वो भी नहीं पहनना, मैंने एक चांदी की चेन भी गिफ्ट करी थी वो भी नहीं पहननी, सब छोड़ रखा है यार, फिर इंसान क्या दे। वो चलो सिंपल है, नहीं पसंद है, सिंपल से ही लगता है, सिंपल से ये भी तो जबरदस्ती जबरदस्ती रिंग भी मैंने जबरदस्ती पहनवा रखी है कि भाई पहन लो, वरना वो भी नहीं पहननी उनको, क्या दे यार, इंसान पागल है क्या, क्या दे। चलो खैर कुछ ना कुछ तो मैं दूंगी, अभी तो बारिश आ रही है, मे बी आज बर्थडे आज ना दे पाऊँ, कल परसों दे दूँ, बट दूंगी जरूर। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं जब हम सब केक कट करेंगे। अब बारिश की वजह से प्लान तो चौपट हो ही चुका था, तो हम लोगों ने सोचा यार अब बाहर से कुछ मंगा लिया जाए, तो हम लोगों के लिए बटर नान मंगाई थी, दाल मखनी और मशरूम पनीर एंड और क्या था, या मसाला चाप। और आप सब देख सकते हैं अब हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, मूड ख़राब करके तो कुछ होने वाला नहीं है, इससे अच्छा है जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसी पल को एंजॉय किया जाए। अपने रूम में आ चुकी हूँ और आपको बताऊँ क्या सोचा, तो बहुत कुछ था कि बर्थडे कुछ ऐसा सेलिब्रेट करेंगे, बट बारिश ने काम ख़राब कर दिया यार। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।